भाइयों और बहनों, यहां 5 साल पहले ब्रह्मपुत्र पर पुलों की स्थिति क्या थी ये आप सब भली भांति जानते हैं। अरे नए ब्रिज तो छोड़िए, जो सालों पहले अटल जी की सरकार ने शुरू किए थे उन्हें भी कांग्रेस सरकारों ने लटका दिया था। हमने इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया। आज ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील और डोला सादिया समेत 4 बड़े ब्रिज शुरू हो चुके हैं। अनेक नए सेतुओं पर काम चल रहा है। देश के सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज बोगीबील सेतु का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे आप लोगों ने दिया था। बरसों से लटके इस सेतु को हमने 4 साल के भीतर आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज तिनसुकिया सहित इस पूरे क्षेत्र के लोगों को, व्यापारियों, कारोबारियों, किसानों को, स्टूडेंट्स को, मरीजों को सैकड़ों किलोमीटर की सफर से मुक्ति मिल चुकी है। भाइयों और बहनों, 5 साल पहले जिस विकास का वादा आपसे किया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे ही प्रोजेक्ट से होकर के आता है। यहां की गैस कनेक्टिविटी को लेकर भी अभूतपूर्व काम किया गया है। बोगई गांव रिफाइनरी हो, नुमालीगढ़ रिफाइनरी हो, इनका विस्तारीकरण किया जा रहा है। इनको आज की और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इसी तरह असम में भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को उच्च शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। चबुआ में असम की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खानीकार मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसे संस्थानों से यहां के युवाओं की स्किल को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। चबुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च हो, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज हो, दिव्यांगों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, ऐसे सारे संस्थान इस क्षेत्र को उच्च शिक्षा के हब के रूप में विकसित करेंगे।